छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में बुधवार रात रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए तेज रफ्तार कार के चालक एक अन्य कार को टक्कर मारी, फिर सामने से आ रही दो बाइक को भी चपेट में ले लिया। टक्कर लगने से बाइक सवार सहित 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, उन्होंने चालक को कार से बाहर खींच लिया, उसकी जमकर पिटाई करने के साथ ही कार में भी तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन चालक कार छोड़कर भाग निकला। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे अशोक नगर स्थित शराब दुकान के पास से अशोक नगर चौक की ओर गलत दिशा से कार का चालक तेज गति से आ रहा था। उसने पहले एक कार को साइड से टक्कर मार दी, फिर अनियंत्रित कार ने दो बाइक को भी चपेट में लिया। कार चालक की इस लापरवाही को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। युवकों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मौका पाकर कार चालक भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सिम्स भेजा, फिर कार को जब्त कर थाने ले आई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने कार मालिक की जानकारी जुटाई, तब पता चला कि कार मालिक मौके पर पहुंच गया था, लिहाजा पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने कार मालिक को छोड़ दिया है। सिम्स में भर्ती घायल अशोक ठाकरे ने बताया कि वह सरकंडा के अरविंद मार्ग में रहता है और वाहन चालक है। रात में वह अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी सामने गलत दिशा से तेज रफ्तार कार आ रही थी, जिसे देखकर उन्होंने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। फिर भी कार ने उन्हें सामने से ठोकर मार दिया। इस दौरान कार ने 3 वाहन को टक्कर मारकर 6 लोगों को घायल कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।